सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी सेफ्टी के लिए अपने घरों में ही रहें और बाहर ना जाएं। थैंक यू। आप देख रहे हैं हाजीपुर से रविंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। खबर बिहार के वैशाली जिला से है, जहां यस तूफान को लेकर हाजीपुर के आमजनों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हाजीपुर शहर ने लिया बाढ़ का रौद्र रूप। हाजीपुर शहर के सभी हिस्सों में जल का जमाव हो गया, मानो जैसे बाढ़ सी आ गई है। लोग काफी परेशान दिखे। हाजीपुर शहर मानो तो नदी की तेज धारा बह रही है। हर जगह पेड़ पौधे टूटकर सड़क अवरुद्ध हो गए हैं, और तो और गरीब गुरबा के जो पीपे का मकान और करकट के मकान भी टूट के गिर गया। उजड़ गए लोग आसमान के नीचे रहने के लिए विवश है। इस विपदा की घड़ी में न प्रशासन के तरफ से कोई सुविधा मिल रहा है, नहीं कोई सहारा। लोग बेघर हो गए हैं, एक दाना के लिए मोहताज हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं जिला रविंद्र ठाकुर। अभी हम मौजूद है हाजीपुर के यादव चौक पे। पूरा शहर यस तूफान के बारिश में लबालब भर चुका है। लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम मौजूद है यादव चौक पे, और यादव चौक का क्या नज़ारा है, मानो बाढ़ सी आ गई है। और यह असंख्य जायज किया जा रहा है कि यस तूफान को लेकर के बारिश जो है लगभग 72 घंटा तक लगातार रहेगी। ये सिनेमा रोड है, जिसमें देख सकते हैं सिनेमा रोड का क्या हाल है। धन्यवाद। पूरा रूम में भी नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर रविंद्र ठाकुर। यह तूफान के बारिश की वजह से देख सकते हैं जो हाजीपुर गांधी चौक का क्या नज़ारा है। पूरा जल जमाव हो चुका है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और लोग काफी मशक्कत से लॉकडाउन के बावजूद बाहर निकल रहे हैं अपने घर की सब्जी खरीदने के लिए। देख सकते हैं किस तरह से जल जमाव हो चुका है हाजीपुर गांधी चौक का। नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर रविंद्र ठाकुर, और अभी हम मौजूद है हाजीपुर के गांधी चौक पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह तूफान की बारिश की वजह से कितनी जल जमाव हो चुका है, लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये गांधी चौक का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर रविंद्र ठाकुर। अभी हम मौजूद है हाजीपुर के पासवान चौक पे, जहाँ पे यस तूफान बिहार में आने के बाद देखिए किस तरह से हाजीपुर का क्या हाल है। लोगों के घर घर में पानी घुस चुका है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और मौसम विभाग के द्वारा यह आशंका भी जारी किया गया है कि लगभग यह बारिश 72 घंटा तक लगातार। नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर रविंद्र ठाकुर, और अभी हम मौजूद है हाजीपुर के पासवान चौक पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यस तूफान के बाद जनजीवन पे कितना असर पड़ा है, और लोग काफी
परेशानियां हो रही है लोगों को घर से बाहर निकलने में। हाजीपुर पासवान चौक का ये नज़ारा है, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी रोड पर जो है जल जमाव हो चुका है और लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कितनी गंदगी रोडों पे है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि पूरा। मैं उन्हें रिपोर्टर रविंद्र ठाकुर, और आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से हाजीपुर पासवान चौक का क्या हाल है। पूरी तरह से जल जमाव हो चुका है और लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। पूरी पासवान चौक जो है पानी में तब्दील हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा रोड पर पानी ही पानी दिख रहा है। सभी जगह आप देख सकते हैं किस तरह से पासवान चौक का हाल है। Thank you.